We have studied that whenever a body is given a motion, it keeps on moving in a straight line. This is law of inertia of motion. Ek body ko na to apni speed change karni hai, na apni direction change karni hai, unless some force is applied on it. Ab ek body agar circle mein ghoom rahi hai aur iski speed nahi change ho rahi hai, तो क्या इस पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि ना तो उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए ना डायरेक्शन, लेकिन सर्कुलर मोशन में ये डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है. देन वी कैन से वेलोसिटी चेंजिंग. Velocity is changing. अब अगर velocity change हो रही है तो change of velocity को हम क्या कहते हैं? Acceleration. और ये जो acceleration है ये हमें कैसे मिलता है? Final velocity minus initial velocity. Kinematics में circular motion में हम चीज़ ये कर चुके हैं कि इस तरह से जब velocity change होती है तो acceleration change in velocity की direction perpendicular to the velocity होती है. यानी यहाँ पर ये डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. ये एक्सेलरेशन किधर होता है? दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर और इसका नाम क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. नाउ इफ मास ऑफ द बॉडी इज एम, देन m multiplied by this a, mass into acceleration हमें क्या देगा? Force. किस direction में? Acceleration की direction में. That means जो body circle में घूम रही होती है उसके पास एक force होता है और वो force center की तरफ काम करता है. Okay. Always. तो जब भी एक body circle में घूमती है हमेशा उसके पास एक central force लगेगा. अगर नहीं लगेगा तो क्या होगा? इसकी नेचुरल टेंडेंसी सीधा जाने की है. ये जो फोर्स है ये इसको मोड़ देता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाहता है लाइक दिस और इस पर हम एक इधर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते तो ये ऐसा मुड़ जाएगा. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोड़ने के लिए, टर्न करने के लिए व्हाट डू वी नीड? ए फोर्स. And what is the natural direction of that force? Perpendicular to the velocity. So if this is velocity, this perpendicular force is responsible to turn it. So circular motion अपने आप नहीं होता. Number one. Number two, उसके लिए force चाहिए और वो force उसकी velocity के perpendicular होता है. It is directed towards center and we call it centripetal force. Centripetal force. ये सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. और ये एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं. सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम और एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर. सो V is the speed at any moment. The magnitude of velocity or the speed is V, radius is R, mass is M, then mv square upon R gives us the centripetal force. And bina centripetal force ke circular motion nahi hoga. Aur agar koi body straight ja rahi hai aur humne us pe perpendicular force lagaya, it will turn. And then only it will turn. उसके बिना वो turn नहीं होगी. Centripetal force के बिना turn नहीं होगी. और अगर एक body गोल घूम रही है, it is in circular motion, then it is compulsory that there is a centripetal force. Without that, it cannot move in a circle. Now we will see different cases. Centripetal force magnitude हम निकाल चुके हैं, mv square upon r. We will see different cases. A cycle is moving on the road and there is a turning.
So it has to turn. स्ट्रेट जाती हुई साइकिल को इस रोड पर टर्न करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो उसका मोशन है, देखिए दिस विल बी लाइक दिस, ये मोशन यहाँ से यहाँ तक, ये तो ये मोशन कैसा है, दिस इज सर्कुलर मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन है, बट दिस पार्ट इज सर्कुलर और इसके कारण ही उसकी डायरेक्शन बदलती है, ये एक सर्कल का पार्ट है, ये सर्कल है, ये उस सर्कल का एक पार्ट है और इसका एक रेडियस होगा, कुछ भी रेडियस होगा, अगर ये बड़ा रेडियस होगा तो ये ऐसा आएगा और अगर ये छोटा रेडियस होगा तो ये शार्प टर्न होगा ऐसा, देखिए ये छोटा रेडियस और ये वाला बड़ा रेडियस, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम हैंडल को कितना मोड़ेंगे और कितना बड़ा रेडियस बनाएंगे, सो दिस इज नोन एज शार्प टर्निंग, ओके दिस इज रेडियस एंड इट हैज गॉट सर्टेन वेलोसिटी। अब अगर इसको इधर मुड़ना है तो इसे एक फोर्स चाहिए और फोर्स की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फोर्स, ये फोर्स कहां से आएगा, हम साइकिल पर बैठे हैं, हम पैडल चला के उसे आगे ले जा सकते हैं, ये वाले फोर्स को कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो देखिए इसके दो मेथड होते हैं और एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दो मेथड को अलग अलग डिस्कस करेंगे, पहले इस फोर्स को लिए हम फ्रिक्शन की हेल्प लेते हैं, किस तरह से, ग्राउंड पर एक साइकिल मूव कर रही है, उसको हम सामने से देखते हैं, इस पर साइकिल ऐसा सामने आ रही है, ओके जब ये साइकिल सामने आ रही है तो ये सामने से हम इसको देखते हैं, ये हमको इस तरह से दिखती है, राइट, जब ये टर्न करने लगती है तो यहां पर क्या एक्शन होता है, देखिए अगर ये स्ट्रेट जाएगी तो अगले एक सेकंड में इसको यहां से यहां पहुंच जाना चाहिए ऐसे, लेकिन हम हैंडल को मोड़ते हैं तो हैंडल को मोड़ने के कारण यहां पर ना पहुंच के ये यहां पहुंचती है, इनर्शिया क्या कहता है कि इसको यहां होना चाहिए था लेकिन हैंडल मोड़ने के कारण ये यहां आ गई फॉर एन इंस्टेंट। अब अगर ये यहां से यहां आ गई, मैं इसको यहां बड़े सर्कल में बनाता हूं, ये स्ट्रेट यहां से अगले मोमेंट पर इस पॉइंट को, साइकिल के टायर के इस पॉइंट को यहां होना चाहिए था और हमने टर्न किया, वो पॉइंट यहां आ गया। अब इसका टायर का इंटेंशन है, व्हील का इंटेंशन है यहां पर जाना, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन जो कि इसका नेचुरल मोशन है इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी के कारण, इसको यहां होना चाहिए था, हम यहां पर ले गए हैं तो ये अपनी जगह पर वापस आना चाहता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, अगर बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये वापस आना चाहता है इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में जाता है, जा नहीं पाता, जाने का इंटेंशन रखता है, सो दिस गिव्स अस इंटेंशन ऑफ मोशन, इंटेंशन ऑफ मोशन, ये उसकी डायरेक्शन है इंटेंशन ऑफ मोशन की, अगर ये इंटेंशन ऑफ मोशन की डायरेक्शन है तो ये इधर जाता क्यों नहीं, इसलिए नहीं जाता कि ग्राउंड पर एक फोर्स पैदा हो जाता है जो दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच है और वो फोर्स किसी भी इंटेंशन ऑफ मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस उसको अपोज करता है और उस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, तो यहां पर फ्रिक्शन का फोर्स पैदा हो जाता है जो इस इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है ऐसा, देखिए ये फोर्स कहां पैदा हुआ, दो सरफेस के बीच में,
व्हील का टायर और ग्राउंड, ये दो सरफेस हैं। हमको मालूम था यहाँ जाना था, हमने ज़बरदस्ती उसको मोड़ के यहाँ किया, सो वी एज्यूम देर इज़ ए इंटेंशन ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। और सरफेस के कॉन्टेक्ट में इंटेंशन ऑफ मोशन को जो अपोज करता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये वाला फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में है, और ये फ्रिक्शन इसको यहाँ फिसलने नहीं देता, इधर जाने नहीं देता, पकड़ के रख लेता है। तो फ्रिक्शन ने हेल्प की इसको यहाँ पर लाने में, मोड़ने में, और मोड़ने में जो हेल्प करता है दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो मोड़ने वाला फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स, वो कौन है? तो आंसर है वो फ्रिक्शन का फोर्स है। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर समझ लेना जरूरी है, सेंट्रिपिटल फोर्स एक टाइटल है, सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नेचर का फोर्स नहीं है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक नेचर का फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेस पैदा होता है वो एक फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, ये सब फोर्सेस है। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स एक टाइटल है, एक एडजेक्टिव है। ऐसा कोई भी फोर्स जो स्ट्रेट मोशन वाले ऑब्जेक्ट को टर्न करके सर्कुलर बना दे, उसका टाइटल क्या है? सेंट्रिपिटल फोर्स। जैसे एक पत्थर को हमने लिया, धागे से बांधा और इस पत्थर को ऐसे थ्रो किया, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी से इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन हमने तो धागे से बांधा हुआ है, ये धागा इसको सीधा जाने नहीं देता। क्यों? ये अपने अंदर एक टेंशन पैदा करता है और इसको ऐसा मोड़ देता है। टेंशन इसलिए पैदा करता है कि वो अपनी लंबाई को बढ़ने नहीं देता, तो उस धागे के कारण, उस स्ट्रिंग के कारण, उस स्ट्रिंग में एक टेंशन पैदा होता है और जो टेंशन इसको आगे नहीं जाने देता और ये ऐसा गोल घूमना शुरू कर देता है और हम ऐसा घुमाते। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन को सर्कल में किसने कन्वर्ट किया? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन कर रहा है? आंसर है टेंशन। ये ठीक वैसा ही है टाइटल या एडजेक्टिव जैसे एक क्लास का मॉनिटर। क्लास का मॉनिटर, उसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट मॉनिटर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? मॉनिटर है। तो एक साल राम मॉनिटर है, दूसरे साल श्याम मॉनिटर है, लेकिन राम और श्याम दोनों में से किसी का नाम मॉनिटर नहीं है, एक राम है और एक श्याम। इसी तरह से सेंट्रिपिटल फोर्स उस फोर्स को बोला जाएगा जो टर्न कराएगा, लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स अपने आप में एक फोर्स नहीं है, और कोई ना कोई फोर्स जो उस काम को करता है उसके साथ हम टाइटल या एडजेक्टिव लगा देंगे दैट दैट फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स की एक कैलकुलेशन होती है जो हमने यहाँ की हुई है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v है, और इसको टर्न करना है एक ऐसे सर्कल में जिसका रेडियस r है, तो हमको कितने फोर्स की ज़रूरत है? mv square upon r, दिस इज कैलकुलेशन। अब ये फोर्स इस पर्टिकुलर केस में कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। सो हियर व्हेन द साइकिल टर्न्स देन दिस फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड दिस सेंट्रिपिटल फोर्स हैज ए कैलकुलेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स इन दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। So,
फ्रिक्शन का फोर्स कितना होना चाहिए. हमने इससे कैलकुलेशन की तो हमने बताया हमें जो फ्रिक्शन चाहिए वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होना चाहिए. अगर फ्रिक्शन कम पड़ गया तो क्या होगा, ये फोर्स कम हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट मुड़ने की बजाय स्लिप हो जाएगा, सीधा चला जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्किड हो गया. क्यों स्किड हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन कम पड़ गया. फ्रिक्शन कम पड़ा मीन्स टर्न करने वाला फोर्स कम हो गया, दैट इज स्किडिंग. और स्किड में हम बाहर नहीं जाते, इस सर्कल के बाहर हमको दिखता है पर एक्चुअली हम स्ट्रेट जा रहे हैं. तो कार हो, साइकिल हो, कोई भी चीज़ हो, उसके टर्निंग में ये एक्शन होता है एंड फ्रिक्शन एक्ट एज एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो फ्रिक्शन हमें पता है किसके बराबर होता है, तो फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू आर. और ये म्यू इंटू आर प्लेन सरफेस में किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एम जी. सो दिस फ्रिक्शन म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. सो एम इज कैंसल्ड. नाउ हियर वी हैव ए कैलकुलेशन ऑफ वी. वी इज इक्वल टू म्यू आर जी. ये वी का म्यू के साथ रिलेशन है और म्यू हमको पता है जितना ज्यादा म्यू होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन मानी जाएगी. ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. तो ये फ्रिक्शन ये हुआ. सो अगर वेलोसिटी इससे भी इंक्रीज हो गई तो ये फ्रिक्शन कम पड़ेगा और ऑब्जेक्ट स्किड हो जाएगा. इसका मतलब है कि इस टर्निंग के लिए हम मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बना सकते हैं, इतनी. सो दिस इज मैक्सिमम. सो वी कॉल इट वी मैक्स. सो फॉर टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन प्लेन रोड व्हेन फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज सेंट्रिपिटल फोर्स द मैक्सिमम वेलोसिटी वी कैन हैव इज रूट म्यू आर जी. ये याद रखिए. ओके, दिस इज वन केस. अब हमेशा हम अगर फ्रिक्शन पर डिपेंड करते हैं देन इट इज अ लिटिल डाइसी. रोज हमको थोड़ा सा फ्रिक्शन मिलता है, हम टर्न हो जाते हैं, पर अगर किसी दिन वहाँ पर तेल गिरा हुआ है या वो सरफेस पे रेत गिरी है, आइस है, पानी है, एंड द फ्रिक्शन वैल्यू हैज़ डिक्रीज्ड. अगर ये फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो डिक्रीज और हमको पता नहीं है. हम रोज जितनी वेलोसिटी से जाके टर्न करते लेकिन ये मैक्सिमम वेलोसिटी की लिमिट अगर कम हो चुकी है और हमारी वेलोसिटी उससे ज्यादा है देन व्हाट विल हैपन, द फ्रिक्शन विल बिकम लेस एंड वी विल स्किड. इस तरह से हम स्लिप होते हैं या स्किड हो जाते हैं. सो दिस इज द फ्रिक्शन एक्ट एज सेंट्रिपिटल फोर्स एंड हेल्प अस टू टर्न. अब अगर हम फ्रिक्शन पे नहीं डिपेंड करना चाहते देयर इज अनदर वे. और दूसरा रास्ता है कि हम सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए mg की हेल्प ले, अपने वेट की हेल्प ले. वो किस तरह से करेंगे देखिए. एक सरफेस पर साइकिल जा रही है और उसका टर्निंग का पॉइंट आया. जब टर्निंग का पॉइंट आया तो हम साइकिल को थोड़ा सा झुका देते और झुका कर जब सामने से देखेंगे तो साइकिल हमको ऐसी दिखती. ये यहाँ पर सर्किल का साइकिल का मास, यहाँ पर ये कांटेक्ट पॉइंट है तो यहाँ पर ये मास नीचे काम करता है. और ये जो ग्राउंड इस साइकिल को ऐसे दबाता है, ये दिस इज रिएक्शन. रिएक्शन ऑफ ग्राउंड. दिस इज नॉट नॉर्मल रिएक्शन. नॉट नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द साइकिल ऑन द ग्राउंड. दिस इज रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द साइकिल. देखिए साइकिल का सेंटर ऑफ मास यहां पर है
साइकिल का कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर है, तो साइकिल को ग्राउंड किधर दबाएगा? कॉन्टैक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की तरफ, ऐसा. सो दिस इज रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, लेट्स कॉल इट आर. इस आर के हम दो कॉम्पोनेंट कर सकते हैं. इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस इज आर साइन थीटा. ये आर कॉस थीटा mg को बैलेंस करता है. सो ये साइकिल ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है. तो वी गेट ए इक्वेशन r cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड दे आर बैलेंस्ड. अब दूसरे फोर्स की बात करिए. ये इस फोर्स के सामने कुछ नहीं है, सो दिस बिकम्स ए नेट फोर्स ऑन द साइकिल, ऑन द व्हीकल, ऑन द कार, वट एवर इट इज, जो भी हमने ऐसा टेढ़ा किया. तो ये फोर्स इस पर काम करता है. फोर्स नॉर्मली सेंटर ऑफ मास पे काम करता है, इसलिए हम ये मान सकते हैं ये फोर्स ऐसा काम करेगा. दिस. अब ये साइकिल जा किधर रही है? यहां हमने बनाया ये साइकिल ऐसा सामने आ रही है. अब ये साइकिल अगर सामने जा रही है और ये वाला फोर्स आर साइन थीटा इधर काम करता है ऐसे, तो क्या होगा? ये देखिए, ये साइकिल ऐसा सामने जा रही है, ये फोर्स इधर काम करता है. जब ये फोर्स इधर काम करता है तो साइकिल ऐसे मुड़ जाती है. तो ये फोर्स इस साइकिल को, ये चलने वाली साइकिल को इधर फोर्स काम करेगा, ये ऐसे मुड़ जाएगी. सो दिस एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द साइकिल. हियर देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है. साइकिल की वेलोसिटी किधर है? ये साइकिल है ऐसे झुकाई, लेकिन जा किधर रही है? ऐसे सामने जा रही है. तो ये डायरेक्शन किसकी है? वेलोसिटी की. ये डायरेक्शन वेलोसिटी की है और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, सो इट इज परपेंडिकुलर. ये डायरेक्शन वेलोसिटी की है और फोर्स की ये डायरेक्शन है, दिस इज परपेंडिकुलर. तो इस तरह से ये वेलोसिटी और फोर्स, साइकिल कहाँ है? तो साइकिल यहाँ है ऐसे. तो साइकिल से मतलब नहीं है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए. तो ये वेलोसिटी सामने है, ये साइकिल झुकी हुई है, ये फोर्स है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देयरफॉर द मशीन विल टर्न. ये वेलोसिटी ऐसे गोल हो जाएगी एंड देयरफॉर दिस साइकिल विल टर्न. तो यहां पर टर्न कराने का काम किस फोर्स ने किया? आर साइन थीटा. तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का टाइटल किसको मिला? आर साइन थीटा. सो आर साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स. अब हमको मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है. सेंट्रीपिटल फोर्स की क्वांटिटी, अगर इस बॉडी का मास m है, इसकी वेलोसिटी v है और ये जिस सर्कल में घूमती है उसका रेडियस r है, तो mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स की क्वांटिटी है. और ये क्वांटिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है? r साइन थीटा और r कॉस थीटा. ये हमको पहले से ही मालूम है, दैट इज इक्वल टू mg. सो डिवाइड द टू, we get tangent of theta, that is angle of inclination, tangent of theta is equal to v square upon rg, this is tangent of theta. ये divide करने से आया. So ये what is theta? जितने angle से हमने vertical से इसको ऐसे turn किया, that is theta. So tan theta is equal to v square upon rg.
ओके अगर वेलोसिटी ज्यादा है, हमको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन मिल रहा है, आर साइन थीटा। इससे हमको ये पता लगता है साइन थीटा से कि जितना थीटा ज्यादा होगा उतना हमको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा मिलेगा, और जितना सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा मिलेगा उतनी हम वेलोसिटी ज्यादा रख सकते हैं। अगर हमने थीटा कम कर दिया और वेलोसिटी ज्यादा रही तो ये हमको ज्यादा वेलोसिटी, एक्सेस वेलोसिटी क्या देती है, रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट? सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हमारी रिक्वायरमेंट 100 है और आर साइन थीटा 60 है तो क्या होगा? आंसर है दिस विल नॉट बी एबल टू टर्न इट। और अगर ये टर्न नहीं कर पाएगा तो ये ऑब्जेक्ट सीधा चला जाएगा, टर्न नहीं होगा, तो साइकिल को हम मोड़ नहीं सकते। आपने देखा है जब आप बहुत स्पीड से जाते हैं और मोड़ना है तो ब्रेक लगा के स्पीड को कम करते, और नहीं करते तो आप मोड़ नहीं सकते उसको, भले आप हैंडल को मोड़िए साइकिल नहीं मुड़ेगी, इट विल गो अवे। तो हम क्या करते हैं, ये सॉरी थीटा बनाते हैं। थीटा के लिए हम क्या करते हैं, ये थीटा क्या है? थीटा है ये जो साइकिल सीधी थी, जैसे ही हम ऐसे टर्न करेंगे साइकिल को ऐसे कर लें और इस तरह से टर्न कर लेंगे। सर्कस में आपने देखा है बहुत फास्ट मोटरसाइकिल आती है और टर्न करती है, तो टर्न करने के लिए वो क्या करता है, ऐसे झुक जाता है। रेसेस में हमने देखा है जब भी टर्निंग आता है तो मोटरसाइकिल ऐसे झुक जाती है और ये झुक कर इस तरह से मुड़ती है। वो क्या क्रिएट करते हैं, थीटा, और थीटा से क्या क्रिएट होता है, आर साइन थीटा विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतना वो थीटा क्रिएट करते हैं, जितने छोटे रेडियस पर वो टर्न करते हैं, आर को जितना लेस रखते हैं, डिक्रीज करते हैं, छोटा सा टर्निंग करते हैं तो उनको थीटा इंक्रीज करना पड़ता है। बहुत झुकेंगे ऐसे टर्न करेंगे। तो ये आपने मोटरसाइकिल में देखा है, जहां भी स्पीड से टर्निंग है मोटरसाइकिल ऐसे थीटा को इंक्रीज करती है। अब यहां पर आपने देखा टेंजेंट थीटा, ये आर क्या है, रिएक्शन, और ये रिएक्शन आर कॉस थीटा किसके बराबर है, एम जी। तो आर किसके बराबर हुआ, एम जी अपॉन कॉस थीटा। देखिए एम जी अपॉन कॉस थीटा इज आर, तो आर में कौन है, एम जी, दिस इज वेट ऑफ ए बॉडी। तो यहां पर वेट ऑफ द बॉडी एंड ए फ्रैक्शन ऑफ दैट वेट एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी कोई चीज ऐसे झुक कर घूम जाती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने किससे बनाया, फ्रिक्शन से या वेट से? तो आंसर है यहां पर वेट, ये एम जी, वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये रिलेशन वेट ऑफ द बॉडी कन्वर्टेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स हमको बताता है। और पिछला जो आपने किया था उसमें यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन था, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और इसमें हमने कोई थीटा नहीं बनाया, इट वॉज स्ट्रेट और प्लेन रोड पर ऑब्जेक्ट जा रहा है और प्लेन रोड पर ऐसे टर्न कर गया विदाउट एनी इंक्लिनेशन। यहां पर हम फ्रिक्शन के ही भरोसे हैं और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इट इज ओनली एम जी, वेट, वेट ऑफ द बॉडी, और उसी को इंक्लिनेशन देके जब ये भार थोड़ा इधर आ जाता है वी यूज इट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी जा रही है ना बॉडी, ऐसे जा रहा है, हमने वेट इधर किया, इट दिस एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये आ गया इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दो तरीके हमने देखे। अब इससे हमको एक चीज समझ में आती है, दिस इज ए बेटर मेथड, क्योंकि इस पर हम फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करते और थीटा तो हमारे हाथ में है कि हम कितना उसको टर्न कर लें। अब मोटरसाइकिल को तो हम टर्न कर सकते हैं, पर
जो फोर व्हीलर्स होते हैं, कार है, लॉरी है, ट्रेन है, इन सबको हम टर्न नहीं कर सकते ऐसे। अगर ये ट्रेन ऐसे सीधे जा रही है तो ट्रेन को हम ऐसे नहीं कर सकते, चारों व्हील तो उसके ग्राउंड पे रहेंगे, तो उसको हम ऐसा टेढ़ा कैसे कर सकते? तो आंसर है कर सकते। किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, प्लेन, ये जो इसके दो ट्रैक हैं, ये ऐसे प्लेन है ना, एक ट्रैक को हमने ऊंचा कर दिया तो ये ऐसा हो गया। कहाँ पर ऊंचा किया? जहाँ टर्न होना है, तो जिस जगह पर टर्न होना है वहाँ पर हमने एक किनारा ऊंचा कर दिया। अब ये देखिए, ये ऐसा आ गया। अब इसके वेट का जो आर साइन थीटा है, दैट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में काम करेगा और वो इसको बड़े आराम से घुमा देगा, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये हमने एक्शन क्या किया, ट्रेन का एक पटरी वैसे ही रहने दी और दूसरी रेल को ऊपर उठा दिया। अगर ट्रेन नहीं है, रोड है, तो क्या करेंगे? दैट्स फाइन। अगर ये रोड ऐसी है तो जिस पर ये इस तरह से कार चलती है, प्लेन, तो हम क्या करते हैं, इस रोड के एक किनारे को ऐसा ऊंचा कर देंगे, तो देखिए ये टेढ़ा हो गया। तो इसका जो नॉर्मल था, इसका नॉर्मल कहाँ था? इसका नॉर्मल यहाँ था, ऐसे। तो जब हमने रोड को ऐसा किया तो ये भी ऐसा हो गया, और ऐसा हुआ तो थीटा क्रिएट हो गया यहाँ पे। इस तरह से रोड को टर्निंग के मौके पे हम एक तरफ ऊंचा करके सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करवा सकते हैं, तो उसमें हमको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसी रोड को अगर हम बरसात में भी यूज करेंगे, वी विल नॉट स्लिप, क्योंकि हमको तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो इससे बनता है। ओके, दिस फिनोमिना रेजिंग वन साइड ऑफ द रोड इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग, तो ये बैंकिंग से हमको क्या बेनिफिट होता है? बैंकिंग हमको एक फोर्स देती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच हेल्प अस टू टर्न विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्शन। उससे हम अपनी वेलोसिटी मेंटेन कर सकते हैं, हाई वेलोसिटी मेंटेन कर सकते हैं। हाई वेलोसिटी अगर रखेंगे तो ठीक है, थीटा को हम ज़्यादा कर देंगे। अगर हमको 20 की वेलोसिटी में जाना है तो हम इतना थीटा रखेंगे, 40 की वेलोसिटी से जाना है तो इतना थीटा कर देंगे, 60 से जाना है तो इतना थीटा कर देंगे, तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। सो दैट इज इन आवर कंट्रोल कि हम कितनी स्पीड से टर्न करना चाहते हैं, फिसलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए। फिसलना क्या होता है? स्किड करना क्या होता है? स्किड करना, जितना हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अगर उतना नहीं मिलता, उससे कम मिलता है, तो हम सीधे चले जाते हैं, रोड ऐसे टर्न है, हम ऐसे चले गए, उसको स्किड होना कहते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉल्स शॉर्ट देन अवर रिक्वायरमेंट, देन वी स्लिप। ओके, ये अब इसके लिए हमने रोड को क्या किया? बैंक। क्यों? क्योंकि हमारा व्हीकल तो उस पर परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो हमने यहां पर एक रोड बनाई, देखिए ये रोड ऐसी है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, इसकी टेंजेंट किसके बराबर होगी? ये दिस अपॉन दिस, ये और ये अगर बराबर है तो दिस अपॉन दिस, दैट इज बैंकिंग। तो ये जो रोड हमारी बनी, दिस इज ए बेंट रोड। अब बेंट रोड के ऊपर जब व्हीकल चलता है तो ये इसके दो व्हील है, ये, और इसके ऊपर ये व्हीकल है। यहां पर हम देख रहे हैं
कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये अगर एम जी नीचे काम करता है, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो यहाँ इस कांटेक्ट में एक फोर्स ऐसा काम करेगा, इस कांटेक्ट में एक फोर्स ऐसा काम करेगा, तो दोनों का एवरेज नेट फोर्स यहाँ पर ऐसे काम करेगा, ये दोनों का सम है, ये टोटल फोर्स ऊपर की तरफ रिएक्शन काम करता है, दिस इज रिएक्शन ही, दिस एंगल इज थीटा, ये पूरा वही इक्वेशन आ गया, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये इस व्हीकल को सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है, एंड इट विल टर्न, वेलोसिटी आप जितना भी रखिए इट विल नॉट स्किड, क्योंकि हमने ये कैलकुलेशन करके ही इस थीटा को बनाया है। ये जो बैंकिंग होती है इसको हम किस में मेजर करते हैं, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी जब हम वैल्यू मेंशन करते हैं तो वैल्यू मेंशन करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को मेंशन करते हैं, किस तरह से, देखिए लैंग्वेज, द बैंकिंग इज 1 to 8, ये इसका क्या मतलब है, 1 8, इसमें आप 8 इधर जाएंगे 8 तो, या इधर, ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं कंपेयर टू दिस, तो जब हम 8 इधर जाएंगे तो हाइट कितनी में हो जाएगी, 1, दिस इज 1 to 8 बैंकिंग, और 10 थीटा की वैल्यू ये आ गई 1 to 8, सो दिस इज द लैंग्वेज वी यूज, द बैंकिंग इज 1 to 8, जब ये ऐसा लिखा रहेगा देन वी विल टेक 10 थीटा इज इक्वल टू 1/8, दिस विल हेल्प अस टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ बैंकिंग, ओके, एंड दिस इज रिलेटेड टू मैक्सिमम वेलोसिटी, रेडियस एंड जी, तो अगर हमें बैंकिंग दी है वी कैन फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, बैंकिंग और रेडियस ये दोनों दिया है, वी कैन फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर हमें ये पता है कि जिस टर्निंग पर ट्रेन ने टर्न करना है वहां पर ट्रेन की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, रेडियस जो हम बना रहे हैं दैट इज 1 किलोमीटर, तो हमको बैंकिंग कितने एंगल की करनी पड़ेगी, वी कैन ऑलवेज फाइंड इट आउट, लेट अस से दिस वेलोसिटी इज 100 किलोमीटर, और उसको हम मीटर पर सेकंड में ले सकते हैं, लेट अस से इट इज 20 मीटर पर सेकंड, द रेडियस इज 1000, दिस गिव्स अस 10 थीटा, एंड दिस इज 1 2 1 2, सो दिस इज 4/100, दैट इज 1/25, तो हर 25 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर की हाइट देनी है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि ये जो दो ट्रैक है, ये ट्रेन के दो ट्रैक है, इसके बीच की ये चौड़ाई को नापिए, ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई मीटर गेज है तो 1 मीटर होती है, और ब्रॉड गेज है तो ये उससे ज्यादा होती है, आई थिंक इट इज 1.2, ओके, तो ये जो है यहां पर हर 25 सेंटीमीटर में हमको 1 सेंटीमीटर राइज करना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, 1000 करेंगे तो इधर का 40 सेंटीमीटर ऐसे राइज हो जाएगा, सो दिस इज हाउ द ट्रैक्स विल अपीयर एट टर्निंग, जैसे ही टर्निंग खत्म होगा ये फिर ऐसा हो जाएगा, सो दिस वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट टेंजेंट थीटा, एंड दिस इज द लैंग्वेज 1 to 25, 1 to 50, लाइक दैट, इट्स अ वेरी स्मॉल रेशियो, बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते, ज्यादा करेंगे तो ये टर्न हो जाएगा, एंड वी ऑलवेज हैव टू मेंटेन दैट वेलोसिटी, ओके, सो इट इज टेकन एज एवरेज वैल्यू, बट दिस इज हाउ इट इज डन, सो दिस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ द रोड,
or banking of the track. This is phenomena of banking. So, banking ke phenomena se humko kya benefit hota hai? So, answer hai, banking ke phenomena se hamare railway ke track ya road bade acche se maintain hote hai, uska wear and tear bahut kam ho jata hai. And for this purpose, it is necessary to understand ki banking kis tarah se kaam karti hai. Let us see now how banking act. Here we explain how the banking act and what are the benefits of banking of the road. यहाँ पर देखिए ये एक plain road है और ये road आगे जाते जाते ऐसे turn हो रही है. Okay, जब ये road turn होती है तो ये vehicle भी इस पर turn होता है. Okay, हमने एक चीज पढ़ी है centripetal force. इसका एक reaction होता है which we call centrifugal force. एक धागे से एक पत्थर को बांधकर हम घुमाते तो धागा से जो पत्थर बंधा है वो पत्थर सीधा क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि धागे का टेंशन उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है और उसके कारण वो मुड़ते चला जाता है. दिस वी हैव स्टडीड. यहां से जब ये स्टोन ऐसा सीधा क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहां से जो धागे का टेंशन है ये इसको इधर जाने नहीं देता, वापस खींच लेता है अपनी लेंथ के कारण. तो ये क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला. अब ऐसे घुमाते घुमाते हमने क्या देखा कि जब भी हम उस धागे को काट देंगे तो पत्थर बाहर की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा. और यहां पर अगर हम ये कहते हैं कि इधर एक फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इधर क्यों नहीं आ जाता, तो हम एक ऐसे फोर्स की इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं कि जो इसके अपोजिट यहां काम कर रहा होगा ये, और ये इस फोर्स के बराबर होगा. अब देखिए ये फोर्स इधर काम कर रहा है, ये फोर्स इधर काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये पार्टिकल न इधर जाएगा न इधर जाएगा, इधर चला जाएगा लेकिन इधर और इधर नहीं जाएगा. और यही एक्चुअल सिचुएशन होती है जब हम पत्थर को ऐसा घुमाते हैं. पत्थर धागे के साथ साथ अंदर तो आता नहीं है, और हमने ये पढ़ा है कि फोर्स हमेशा मोशन करता है, एक्सेलरेट करता है, उसको उस पत्थर को ले आना चाहिए इधर. क्यों नहीं लाता है, क्योंकि हमने देखा नहीं लाता है तो हमने सोचा कि जरूर कोई फोर्स इसको अपोज कर रहा होगा ताकि ये फोर्स जीरो हो जाए, क्योंकि यही हमारा प्रिंसिपल है. इफ देयर इज नो मोशन इन दिस डायरेक्शन दैट मींस द फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज जीरो, इट इज बैलेंस्ड. तो हम ये सोच लेते हैं कि जरूर इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होगा, इसका हमने नाम रखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स. पहले इसको देख लेते हैं, इधर जो काम कर रहा है सेंट्रीपिटल, इसके अपोजिट रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल, ये दो नाम अलग अलग याद रखिए. तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे हमारी कोशिश क्या है, उसको अंदर खींच के रखने की कि वो बाहर मत जाए, हमसे दूर मत चला जाए, इतना ही दूर रहे, इतना ही दूर रहे, यहां मत जाए. और उसकी कोशिश क्या है, उसकी कोशिश है ज्यादा दूर जाने की, बाहर जाने की. ये जो बाहर जाने के लिए वो जोर लगाता है वही क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और इसी को काउंटर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. इस तरह से उस ऑब्जेक्ट पर हम ये मानते हैं कि लगातार दो फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल अंदर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर, और ये ऑब्जेक्ट ना अंदर आता है ना बाहर जाता है. यहां पर ये सेंट्रीपिटल और ये सेंट्रीफ्यूगल. अगर हम पत्थर को, अगर हम धागे को काट दें तो वो जाएगा,
बाहर जाएगा, आंसर है नो, बाहर नहीं जाएगा। देखिए अब दूसरी चीज, हम ये सोचते हैं कि इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर काम कर रहा है जो कि सेंट्रीपिटल को बैलेंस कर रहा है, तो हमने स्ट्रिंग को काट दिया। तो अगर हमने स्ट्रिंग को काटा तो ये फोर्स इसको बाहर लेके जाना चाहिए, पर ये पत्थर बाहर जाता नहीं। ये कहाँ जाता है? ये यहाँ पर ऐसे जा रहा है, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया वेलोसिटी ये ऐसा जाता है, इधर नहीं जाता। तो ये फोर्स ने कुछ काम किया क्या? नहीं किया। तो क्या वो फोर्स नहीं था? हियर इज द कंफ्यूजन। क्या अगर वो फोर्स होता, अगर ये दोनों फोर्स हैं, जैसे ये धागे में टेंशन है, हम देखते हैं धागे में टेंशन आता है, दैट इज ए रियल फोर्स, टेंशन दैट इज ए रियल फोर्स। ये फोर्स हमने इमेजिन किया है, क्यों? क्योंकि हम इस रियल को नलीफाई करना चाहते, जीरो करना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ये इधर नहीं आ रहा। तो हम सोच लेते हैं कि ये फोर्स इसको, एक ऐसा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ इसको खींच रहा है और वो इसके बराबर है, दोनों वो इसको जीरो कर देता है। तो ये भी इतना। लेकिन जब हम टेस्ट करने के लिए जाते हैं, इसको काटते हैं, तो देखते हैं कि ये पत्थर तो इधर गया ही नहीं, ये इधर चला गया। इसका मतलब कि ऐसा कोई फोर्स था ही नहीं। अब ये चीज कंफ्यूजिंग है। तो इसका हमने ये प्रिंसिपल बनाया कि ये जो फोर्स है, दिस इज ए रिएक्शनरी फोर्स। जब तक एक्शन है तब तक रिएक्शन है, जब तक एक्शन है तब तक रिएक्शन है। एक्शन को हमने खत्म कर दिया, जैसे ही खत्म किया रिएक्शन भी खत्म हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो गया, तो पत्थर जिधर जा रहा था उधर ही चला गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं था। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्शिशियस फोर्स। फिक्शिशियस फोर्स मींस विच इज नॉट ए रियल फोर्स ये। लेकिन जब तक पार्टिकल घूमता है, जब तक उसमें सर्कुलर मोशन है, तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट इज देयर। जब हम इसको हटाएंगे तब ये हटेगा। तो कोई भी गोल घूमने वाली चीज में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि उस बॉडी को बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ओके, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट्स अमाउंट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी के प्रिंसिपल से हमने बहुत सारी मशीनें बनाई हुई हैं और वो सब मशीनें क्या कहलाती हैं? सेंट्रीफ्यूज। यस, तो सेंट्रीफ्यूज कैसे काम करते हैं? That we'll see in another lecture. It's very interesting. Okay, तो ये आप समझ गए, कोई भी गोल घूमने वाली चीज पे बाहर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, that is centrifugal force. Now, come here. ये plain road है, ऐसी इस पर एक vehicle move कर रहा है, ये plain road है, ऐसे स्ट्रेट इस पर ये व्हीकल ऐसे मूव कर रहा है ये, और ये ऐसा टर्न किया टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर ये ऐसे टुवर्ड्स लेफ्ट टर्न करता है, सर्कुलर मोशन ऐसा बनाता है, तो ये है इसका इनर साइड और ये है इसका आउटर साइड। तो जैसे ही टर्न करता है आउटर साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो कि इसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, तभी तो हम गिरते हैं ना टर्निंग में। तो ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ काम करना शुरू कर देता है। इसका जो वेट है वो अर्थ पे नीचे की तरफ काम करता है, वी नो। सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, वन mg डाउनवर्ड एंड वन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ काम करता है। और ये कब काम करेगा? जब ये टर्न कर रहा है उस समय सेंट्रीफ्यूगल काम करता है, उस समय वो जीरो नहीं होता, टर्निंग में काम करता है। सो सेंट्रीफ्यूगल इज एक्टिंग आउटवर्ड एंड W इज एक्टिंग, ये दोनों के सेंटर में ये नीचे काम कर रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट व्हीकल सीधा जा रहा है ऐसे,
तो देखिए जब ये सीधा जाता है उस समय ये एमजी नीचे काम करता था, और जब ये नीचे काम करता है तो इसकी ड्राइंग देखिए, ये इसके दो व्हील हैं, दोनों इसके सेंटर में सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से वेट नीचे काम करता है, ये कांटेक्ट पॉइंट है। अगर इसका वेट W है तो यहाँ पर रिएक्शन काम करता है विच इज़ W बाई टू, और यहाँ भी रिएक्शन काम करता है विच इज़ W बाई टू, और ये दोनों मिलाकर कितना हुआ W, क्योंकि ये नीचे जा रहा है W। अब हमने लीवर का प्रिंसिपल पढ़ा है, आगे भी जाके फिर से हम उसको पढ़ेंगे। ये दोनों डिस्टेंस कैसे हैं इक्वल? अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो इसका डिवीजन W/2 इक्वल इक्वल होता है, तो ये दोनों तरफ की रोड पर बराबर बराबर प्रेशर है, इक्वल इक्वल प्रेशर है। जब भी घिसेंगे दोनों घिसेंगे, अगर रेल के दो ट्रैक हैं तो दोनों ट्रैक इक्वल इक्वल वियर एंड टीयर होंगे। ओके, ये होता है व्हेन इट इज गोइंग स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन मोशन। दिस इज सिचुएशन नंबर वन। दिस इज सिचुएशन नंबर टू। द व्हीकल टर्न्स, जैसे ही टर्न करता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटर की तरफ काम करना शुरू कर देता है, तो नेट फोर्स ये बना रिजल्टेंट, ये वेट सेंटर पे काम कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल इधर आया, अब इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स ये बना। अब ये रिजल्टेंट फोर्स आप देख रहे हैं ग्राउंड को यहां पर इसकी डायरेक्शन टच करती, तो ये दिख रहा है हमको एक व्हील पर ये फोर्स नहीं लगता, दूसरे व्हील के एकदम नजदीक है, तो इस फोर्स के कारण कौन ज्यादा दबेगा, ये वाला व्हील ज्यादा दबेगा, ये इसको रिएक्ट करेगा इतना और ये रिएक्ट करेगा इतना, बस। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इस व्हील के नजदीक आ गया आउटर व्हील के, तो यहां पर इतना ज्यादा दबेगा, ये इतना दबेगा और यहां पर थोड़ा सा दबेगा। दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, ये उसका फॉर्मूला है। हम लोग आगे टॉर्क में करेंगे उसको, बट वी नो कि अगर ये यहाँ से लाइन जा रही है फोर्स की तो इस पर प्रेशर ज्यादा हो गया आउटर व्हील पे। सो व्हीकल टर्निंग ऑन प्लेन रोड वन साइड वियर एंड टीयर, एक साइड में फोर्स ज्यादा हो जाता है और वियर एंड टीयर उसमें होता है। जब भी इंजन टर्न करेगा, ट्रेन टर्न करेगी, ट्रक टर्न करेगा, अब ये जो एक साइड में होता है ये कौन सा साइड है, टर्निंग का इनर साइड की आउटर साइड? देखिए ये इनर है ये आउटर है, आउटर। तो हमेशा जब भी एक गाड़ी ऐसे चलते 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 ऐसे टर्न करती है तो किधर फोर्स पड़ता है, ये इसको आउटर बोलेंगे, आउटर वाला व्हील ज्यादा दबता है, और अगर आउटर का व्हील ज्यादा दबेगा तो आउटर की जो रेल है वो ज्यादा वियर एंड टीयर होगा, तो इसमें आउटर में वियर एंड टीयर होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी साइड में वियर एंड टीयर ज्यादा होता है और क्यों होता है। प्लीज रिमेंबर दिस डायग्राम, सेंट्रीफ्यूगल वेट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट गोज वेरी क्लोज टू द आउटर व्हील क्योंकि टर्निंग ऐसे हो रही है। ठीक, अब आ जाइए, ये दोनों केसेस हमने किसके पढ़े, प्लेन रोड के, गोइंग स्ट्रेट, टर्निंग, टर्निंग में आउटर। नाउ वी आर टेकिंग बैंक रोड। बैंक रोड में जब भी कोई व्हीकल खड़ा होता है तो उसका रिजल्टेंट इसके क्लोज हो जाएगा इन, ये अगर इसके क्लोज होगा तो इस पर फोर्स ज्यादा होगा लेकिन वियर एंड टीयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है। व्हेन इट मूव्स then only there will be wear and tear. It is simply standing, लेकिन झुक गया है, इस पर प्रेशर ज्यादा है, that is sure. No damage done. Now, when it work, when it run, अब ये ऐसे जा रहा है और ऐसे टर्न हुआ और हमने इसको ऐसा कर दिया।
अगर ये सीधे सीधे टर्न होता तो ये सिचुएशन आएगी और ये वाला व्हील पे बहुत फोर्स आएगा, यहाँ की सड़क टूट जाएगी, व्हील टूट जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर डैमेज होगा अगर ये सीधा टर्न होता। तो हमने ऐसा कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? टर्न होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहा है क्योंकि ये ऐसे टर्न हो रहा है लेफ्ट में, तो ये किधर जाएगा? राइट में। वेट वैसे का वैसा ही वेट, लेकिन ये वेट ये, अब जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट बनाते हैं, ये रिजल्टेंट आर, ये जो रिजल्टेंट बना इसको देखिए, ये दोनों व्हील से बराबर डिस्टेंस पर है, यानी अब ये कहां पर है? सेंटर में। सेंट्रीफ्यूगल के साथ वेट का रिजल्टेंट जो आ रहा है उसकी लाइन इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है सेंटर पे। तो ये अगर वेट है तो इस वेट का ये व्हील कितना वेट संभालेगा और ये व्हील कितना वेट संभालेगा? आंसर है दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है, इसलिए ये भी W बाई टू और ये भी W बाई टू, दोनों पे इक्वल इक्वल वेट आ गया। अगर दोनों पे इक्वल इक्वल वेट आया देर विल बी इक्वल वियर एंड टियर। तो एक तरफ की सड़क टूट जाएगी ऐसा नहीं होगा, दोनों पे लोड बराबर आ गया तो एक तरफ की सड़क नहीं टूटती। सपोज सड़क को हमने बनाया है वेट लेने के लिए 20 टन और इसमें लोड है 30 टन। अगर दोनों पे इक्वल आएगा तो 15 एंड 15 दोनों पे आ गया, देर इज नो डैमेज टू द रोड। लेकिन अगर पूरा एक ही साइड में आ गया 30 तो 20 में तो सड़क टूट जाती है, तो यहां की सड़क टूट जाएगी। सो यही चीज हम मान सकते हैं रेलवे के ट्रैक के लिए। अगर बोगी का वेट 30 टन है तो जब ये प्लेन पे टर्न करेगा तो इस पे 30 आ गया और ट्रैक कितना ले सकता है? 20 टन, ट्रैक टूट जाएगा। यहां पर जब ये टर्न करेगी तो 30 टन में से 15 15, कुछ अगर और एक्स्ट्रा ऐड हो गया 17 17, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 20, इट विल नॉट ब्रेक। तो ये वियर एंड टियर हमारा सेव हो गया। सो दिस इज हाउ बैंकिंग हेल्प अस। अगर हम ऐसा नहीं करें तो हजारों किलोमीटर ट्रैक हमको हर साल बदलना पड़ेगा, दैट विल कॉस्ट मिलियन ऑफ रुपीज। सो दैट इज वाई दिस फिनोमिना इज सो इम्पॉर्टेंट, रोड्स में भी और रेल्स में। सो दिस इज बैंकिंग ऑफ द रोड, और इसको आपको समझना है कि बैंकिंग करने से कैसे वेट डिस्ट्रीब्यूट होके इक्वल हो जाता है और एक साइड में फुल वेट नहीं आता, वी सेव इट। दिस इज मेन बेनिफिट ऑफ द बैंकिंग, अदर देन क्रिएटिंग ए सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर टर्निंग। तो टर्निंग में हेल्प करता है, दैट इज देयर, बट दिस इज द मेन एडवांटेज, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग द बैंकिंग ऑफ द रोड्स। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज, अभी तक हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो साधन है, दो मीडियम है, वन विद द फ्रिक्शन एंड अदर इज विद द बैंकिंग। नाउ इफ वी टेक हेल्प ऑफ बोथ then what will happen? Answer is our velocity limit will increase. जैसे friction में हमने क्या पढ़ा था, velocity की एक limit होती है that is mu rg, उससे ज़्यादा हमारी velocity नहीं जा सकती। Suppose that is 30, तो 30 से ज़्यादा हम turn नहीं कर सकते, slip हो जाएंगे because of friction। वैसे ही हमने पढ़ा कि velocity अगर हम झुक कर theta angle से bend होकर सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करेंगे तो उस समय हमारी वेलोसिटी हमको क्या मिली थी, दैट वेलोसिटी वॉज 10 थीटा इंटू आर जी 10 थीटा, दैट वॉज अवर वेलोसिटी। आपने देखा था ये, सो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू आर जी 10 थीटा ये।
ये थीटा पे डिपेंड करता है और इससे ज़्यादा वेलोसिटी हमको नहीं आ सकती। मान लो ये वेलोसिटी भी 30 है, फ्रिक्शन का हेल्प लेंगे तो भी 30, इंक्लिनेशन का हेल्प लेंगे तो भी 30, लेकिन हम 40 पे चलाना चाहते हैं, वी वॉन्ट इट टू बी मोर, तो हम क्या कहते हैं चलो दोनों की हेल्प ले लेते। सो वी यूज फ्रिक्शन एज वेल एज इंक्लिनेशन, दैट इज बैंकिंग। तो बैंकिंग की भी हेल्प लेते हैं, फ्रिक्शन की भी हेल्प लेते हैं, तो हमारी वेलोसिटी की लिमिट और इंक्रीज हो जाती है। हाउ मच इज दैट लिमिट, दैट ऑल्सो वी कैन डिराइव। सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। स्टार्ट कर दीजिए। सो हियर वी सी दिस केस, मोशन ऑफ ए कार ऑन द बैंक्ड रोड। यहां पर फ्रिक्शन और इंक्लिनेशन दोनों की हम हेल्प ले रहे हैं और फिर मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अलग अलग सिचुएशन और उसका कॉम्बिनेशन देखिए। ये रोड है और इस रोड का इंक्लिनेशन बैंकिंग थीटा है। यहाँ पर व्हीकल है, इस व्हीकल का वेट mg नीचे काम कर रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन को हम n लिखेंगे इस सॉल्यूशन में। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करता है और mg इधर काम करता है, ये दो फोर्सेस है। इस नॉर्मल रिएक्शन के हमने दो कॉम्पोनेंट बनाए, वन इज n cos थीटा वर्टिकल एंड वन इज n sin थीटा। ये एक डायग्राम हो गया जो कि वेट के कारण जो रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन से हमने ये इक्वेशन बनाया। इसमें जो n cos थीटा है वो वर्टिकली अप डायरेक्शन में है। एट द सेम टाइम जब हम व्हीकल को टर्न कर रहे हैं वो बैंक रोड भी है, और जब टर्न कर रहे हैं तो फ्रिक्शन भी हमारी हेल्प करेगा क्योंकि हमको पता है फ्रिक्शन के कारण भी सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। तो हम फ्रिक्शन का भी इक्वेशन बनाते हैं। फ्रिक्शन का सेंट्रीपिटल फोर्स ये अलोंग द सरफेस काम करता है, अलोंग द सरफेस, इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर है, दिस इज फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन के भी हमने दो कॉम्पोनेंट बना लिए, वन हॉरिजॉन्टल वन वर्टिकल। सो नेचुरली दिस इज एंगल थीटा, यही एंगल है जो यहाँ का है, सेम थिंग। ओके, तो ये कॉम्पोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा और ये कॉम्पोनेंट है एफ साइन थीटा। ये कौन है फ्रिक्शन, ये कौन है वेट का एम के, जो दो कॉम्पोनेंट है वो। अब आपको दिख रहा है मोशन कैसा है, ऐसा। दैट मीन्स दिस बॉडी इज गोइंग दिस वे एंड टर्निंग लेफ्ट, इसलिए ये दोनों लगे। अब यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि सेंट्रिपिटल फोर्स इसके कारण कौन है एन साइन थीटा, इसके कारण कौन है एफ कॉस थीटा। अब इन दोनों को मिलाकर, व्हीकल तो एक ही है, इन दोनों को मिलाकर ये हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें सेंट्रिपिटल फोर्स कौन है, फ्रिक्शन भी और वेट वाला पोर्शन भी। ओके, नीचे की तरफ mg काम करता है और फ्रिक्शन का एक पोर्शन भी नीचे काम करता है। तो ये जो नीचे का एक्शन है ये कौन है, f sin थीटा और mg, ये दोनों नीचे की तरफ काम करते हैं और ऊपर कौन काम करता है n cos थीटा। ये वर्टिकल के फोर्सेस हैं, ये हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस हैं। इस n के दो कंपोनेंट बन चुके हैं, इट इज कैंसल्ड। ओके, f के भी दो पोर्शन बन चुके हैं, f इज ऑल्सो गॉन। नाउ वी हैव टू फोर्सेज हियर, टू फोर्सेज हियर, वन फोर्स हियर। इसमें सेंट्रीपिटल का काम ये कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऐसा टर्न हो रहा है, सो दिस इज पुशिंग इट टू टर्न। इसके हमने इक्वेशन लिखे, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, एम साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा, और ये होता कितना है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसकी कैलकुलेशन है। ये फोर्सेस है जो काम कर रहे हैं, ये इसकी कैलकुलेशन। एन कॉस थीटा ऊपर काम करता है और नीचे एफ साइन थीटा प्लस एम जी, तो ये एन कॉस थीटा की ये वैल्यू आ गई। सो वी गेट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। अब अगर हम वेलोसिटी को मैक्सिमम करेंगे उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो स्किड हो जाएगा।
तो ये जो फ्रिक्शन है, हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना मिलेगा, म्यू एन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ हम एन यूज कर रहे हैं क्योंकि आर को हम रेडियस के लिए यूज करेंगे, सो वी राइट हियर नॉर्मल रिएक्शन एन, तो ये हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू होगी व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इसलिए ये यहां पर हमने फ्रिक्शन की जगह म्यू एन रखा, यहां पर म्यू एन रखा, तो ये तीसरा और चौथा इक्वेशन हमको मिल गया। इक्वेशन थर्ड ये किससे बना, वन से, फ्रिक्शन म्यू एन, ये किससे बना, नंबर टू से, फ्रिक्शन म्यू एन, वी गॉट दीज टू इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाली, एन वाले टर्म एक तरफ लाए, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कैंसिलेशन किया, एंड यू कैन डू इट, दिस इज वैल्यू ऑफ एन। अब जब इन दोनों से हमने एन की वैल्यू निकाल ली, तो उस एन की वैल्यू को हमने यहां पर रख दिया, ये कॉमन निकाला, एन की वैल्यू रखी, इन दोनों को इधर ट्रांसफर किया, और इसमें जब सारे कैंसिलेशन किए, वी गॉट दिस, ये एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, और यहां पर हमने एन की वैल्यू निकाल के रखी, एंड वी गेट दिस, राइट। अब इससे हमने वी की वैल्यू निकाली, यू कैन डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ, थोड़ा सा एक दो स्टेप और आएंगे, एंड यू विल गेट मैक्सिमम वेलोसिटी दिस। तो इस तरह से यहां पर आप देखते हैं जी आर जी ये भी आता है, और म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी आता है। इस तरह से हमको ग्रेविटेशन का फोर्स किस में काम में आता है, वेट में, तो ये भी हमारे काम में आता है, और ये थीटा इंक्लिनेशन, तो जितना हम ज्यादा झुकेंगे हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये एक्सप्रेशन हमारे इंक्लिनेशन को, बेंडिंग को और म्यू को, दोनों को मिलाकर ये बनता है, तो दोनों का बेनिफिट मिलेगा, सो दिस वी गेट द मैक्सिमम वेलोसिटी कंबाइनिंग बोथ द केसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट द मैक्सिमम। तो आपने याद किया फ्रिक्शन के कारण मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ओनली फ्रिक्शन, बेंडिंग के कारण, थीटा बेंडिंग किया उसके कारण मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, वेयर वी टेक द वेट एज कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट वी हैव डन, एंड हियर व्हाट वी हैव डन, व्हेन बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग देन मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती, और आपने किया बैंकिंग का हमको क्या बेनिफिट होता है, हाउ बैंकिंग एक्ट टू हेल्प अस इन सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल एज टू मेंटेन द वियर एंड टियर ऑफ द ट्रैक्स, दिस इज व्हाट वी हैव डन। Now in the next lecture we will see how we apply the forces, the application, the different type of forces, the forces which lift the rocket, the forces what we experience inside the lift, the forces applicable in the pulleys, the forces inside the liquid, the so many different type of forces, and we will take one by one examples and make the solutions of the problems on these sources. Thank you.